अनुराग रजनी के पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गया। अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। आंसुओं से अनवंतर आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से आकर भाई ने हाथ थामा। उसने पलट कर देखा तो भाई को देखते ही उसका रोना छूट गया। भाई ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वही घर था जिसे कभी वो महेश की दुल्हन बनकर आई थी और आज इस खत से महेश की अर्थी उठने वाली थी। कल रात ही महेश को साइलेंट अटैक आया था और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। रजनी उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके गई हुई थी। रात को ही उसके चाचा ससुर से फोन करके उसके पिता को बता दिया था। जैसे ही यह खबर वह मायके पहुंची, वैसे ही मायके वालों फटाफट आधे घंटे में वहां से रवाना हुए। आखिर 7 घंटे का सफर तय करके वो लोग वहां पहुंचे। वहां लोगों का अच्छा खासा तंता लगा हुआ था। तभी बेटियां बिलखती हुई रजनी से आकर लिपट गई। पर जो वो खुद ही होश में ना होकर वो भला बच्चों को कैसे संभाले। मम्मी और भाभी जबरदस्ती उसे हिम्मत देते हुए अंदर लेकर गई। उससे बड़े से बरामदे में कुछ औरतें सास को घेरे बैठी हुई थी। नंद और जेठानी भी एक तरफ बैठी रो रही थी। रजनी के आते ही रोना और तेज हो गया। शायद वो लोग रजनी का ही इंतजार कर रहे थे। रजनी के आते ही 20 मिनट में महेश की अर्थी उस घर से उठी और कुछ क्षण में ही वो शख्स वहां से चला गया जिसके पीछे वो इस घर में थी। अपनी बेटियों को सीने से लगाए उसका रोना छूट रहा था। कहने को पूरा परिवार वही था पर महेश के जाते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ छूट गया। कुछ ही देर में उन दिनों की सभी क्रियाएं करके मायके वाले भी वहां से रवाना हो गए। बस रजनी की माँ वहां रजनी के पास ही रुक गई। सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे पर रजनी को कोई हिम्मत नहीं दे रहा था। आखिर महेश की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 वर्ष। सास ने जवान बेटा खोया था, उसका कलेजा मुंह को आ गया था। बहन ने छोटे भाई को खोया था। बड़े भाई की तो जैसे हिम्मत ही चली गई थी। उसकी दोनों बेटी उसे लिपट कर रो रही थी और उन दोनों को चुप कराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन था, सिर्फ रजनी और उसकी माँ। आज उसे अपना ससुराल बेगाना सा लग रहा था। वहाँ यहाँ 15 दिन कैसे निकलेगा, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन घर में लोगों के मन में क्या चल रहा था उसे उसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। सारी क्रियाएं बड़े भैया के बेटे ने की थी। 10 दिन बाद रजनी के पापा ने उसके परिवार वालों से पूछा, देखिए समदन जी, अभी रजनी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम 15 दिन होते ही उसको यहाँ से लेकर जाएंगे, पर नियम के अनुसार 1.25 महीना से पहले एक पत्नी वो जगह से नहीं छोड़ती। रजनी को कैसे हम जाने की इजाज़त दे दें। सास ने जवाब दिया, समदन जी रजनी की हालत तो आप ही देख रहे हैं, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर वो खुद को ही संभाल नहीं पाई तो बच्चों को कैसे संभालेगी। देखिए समदन जी, 1.25 महीना तो वो कहीं नहीं जाएगी। आपको ले जाना है तो 1.25 महीना बाद ले जाना और हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेना, फिर तो हम आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं। सास ने बिगड़ते हुए जवाब दिया। अंदर कमरे में बैठी रजनी को भी ये बातें सुनाई दे रही थी। सुनकर अंदर तक
कुछ दरक गया, अब इस घर में मेरी क्या जगह है। माहौल बिगड़ते देख कर पापा चुप हो गए। ग्यारहवीं पर पगड़ी की रस्म में भी जेठ जी के बेटे को बैठाने की बातें हुई, लेकिन जब रजनी के मायके वाले को पता चला तो वो लोग अड़ गए, क्योंकि पहले भी महेश के अपने बड़े भाई से झड़प हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने यह कहकर उसे दुत्कारा था कि तेरी दो बेटियां हैं, प्रॉपर्टी में तुझे क्या ही हिस्सा मिलेगा, ये सब जानते हुए पहली बार रजनी के मायके वाले जिद पर आ गए थे। पगड़ी की रस्म करवानी है तो आपको या तो रजनी को पगड़ी पहननी होगी या फिर उसकी बेटी को बड़े भाई के बेटे को बिठाने का क्या तुक है, जबकि महेश जी का अपना पूरा परिवार है। हमारे यहाँ औरतों को पगड़ी नहीं पहनाते, जेठ जी ने कहा, जो नहीं होता वो अब होगा। रजनी का हक हम किसी को लेने नहीं देंगे, आखिर रजनी के परिवार को रजनी को ही संभालना है, पर वह तो इस हालत में नहीं, और ऊपर से उसकी बेटियां ही तो हैं, वो तो शादी करके कल को ससुराल चली जाएंगी, जबकि पगड़ी की रस्म होती है। कोई बात नहीं, हम उसे सहारा देकर बिठा देंगे, पर कभी ना कभी तो होश में आएगी। और सही कहा आपने, पगड़ी एक जिम्मेदारी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी रजनी ही उठाएगी। आखिर मायके वाले की जिद के कारण पगड़ी रजनी को बांधी गई। बाद में पापा ने दादी सास से रजनी को ले जाने के बारे में बात की। ये पहली बार था जब पापा ने दादी सास से पूछा था। आखिर दादी सास ने कहा, तब जाकर 20 दिन बाद रजनी के मायके वाले उसे लेकर गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते थे कि जेठ जी का फोन आया, हम लोग कल आ रहे हैं, रजनी को घर पर ही रखिएगा। कुछ ना कुछ तो उनके मन में पक रहा था। ये बात तो रजनी के मायके वाले समझ रहे थे, पर क्या है वो कल उसके आने के बाद ही पता चलेगा। खैर, दूसरे दिन के जेठ जी अपने चाचा जी के साथ वहाँ पहुँचे। रजनी के साथ उसके पूरे मायके वाले वहाँ मौजूद थे। चाय पानी पीने के बाद वो लोग सीधे मुद्दे पर आए। देखिए समधन जी, अब आपको तो पता ही है कि महेश इस दुनिया में नहीं रहा और रजनी की सिर्फ दो बेटियां हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि रजनी इन प्रॉपर्टी पर साइन कर दे, जो हमने हमारे पूरे परिवार के सर्व संपत्ति से बनाया है, और माँ की भी यही इच्छा है। क्या लिखा है इन प्रॉपर्टी पर, जरा खुल कर बताइए। रजनी के भाई ने कहा, ये हक त्याग के प्रॉपर्टी हैं। हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर से रजनी को अपना हक त्याग करना पड़ेगा। बदले में हम रजनी की दोनों बेटियों की शादी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं। भविष्य में उन दोनों का विवाह हम धूमधाम से करवाएंगे। रही बात मकान में हिस्सेदारी की, तो उसका एक तिहाई हिस्सा हम रजनी को देने को तैयार हैं, वो वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ आकर रहे। इसके अलावा जो महेश की सेविंग है वो रजनी के पास है, उसे वो अपना गुजारा बसर कर सकती है। यह सुनकर उसकी तेरियां चढ़ गई। उससे पहले कोई कुछ कहता रजनी ने जवाब दिया, मैं कोई हक त्याग नहीं करूंगी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोग हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस कोर्ट के जरिए लूंगी, पर मैं अपनी बेटियों के भविष्य को अहंकार में नहीं डालूंगी। इस प्रॉपर्टी पर मेरी बेटियों का बराबर का हक है और माँ इन सब के लिए तैयार है, तो कह दीजिएगा उनसे कि उनका बेटा गया है
और उनकी पत्नी और दो बेटियां अभी जिंदा हैं। रजनी के तेवर देखकर जेठ जी और चाचा ससुर से आगे कुछ कहने ते नहीं बना, वो लोग चुपचाप वहां से उठकर चले गए। आज रजनी जॉब कर रही है और अपने दोनों बेटियों को पाल रही है। उनके माता पिता ने अपनी तरफ से उसे एक छोटा फ्लैट गिफ्ट कर दिया, जिसमें वो अपने दोनों बेटियों के साथ रह रही है। अभी तक प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। ससुराल वाले उस पर अभी भी दबाव बना रहे थे कि वो अपना हक त्याग दे, पर वो अभी तक जिद पर अड़ी हुई थी है।